इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वोटिंग शुरू होने में करीब घंटे भर का वक्त बचा है। 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी क्योंकि पांचवें चरण का मतदान आज बंगाल में है। 45 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे और सीटों की अगर हम बात कर रहे हैं तो उस लिहाज से आपको बताना बहुत जरूरी हो जाता है कि आज के चुनाव में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सी सीट है और किन किन जिलों की सीटों के लिए मतदान होना है। यह ग्राफिक्स आप देख रहे हैं, कितनी सीटों पर वोटिंग होनी है सबसे पहले आपको बताते हैं। देखिए, उत्तर 24 परगना की 16 सीट, पूर्वी बर्धमान की 8 सीटों के लिए मतदान होना है। इसके अलावा नादिया की बात करें तो इसकी अगेन 8 सीटों के लिए मतदान होना है। उसके बाद दार्जिलिंग की 5 सीटों के लिए, जलपाईगुड़ी की 7 और कलिंपोंग की 1 सीट के लिए मतदान होना है। ऐसे में जो सबसे महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है वो उत्तर 24 परगना की मानी जा रही है और ये वही उत्तर 24 परगना है जहां पर आपने तमाम नेताओं को, तमाम पार्टी के प्रतिनिधियों को, स्टार प्रचारकों को सबसे ज्यादा रैली करते हुए देखा है। अब चलिए विस्तार से हम समझते हैं कि कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जो वीआईपी सीटें हैं जहां पर आज मतदान होना है। 7 बजे जो वोटर्स हैं वो प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे और उसे ईवीएम में कैद कर देंगे। तो ये जो ग्राफिक्स आप देख रहे हैं ये आंकड़ा है 2016 में जो 45 सीटों का गणित हमें समझाता है। कैसे, विस्तार से समझाते हैं। देखिए, ये जो 45 सीट है जिनके लिए पांचवें चरण में आज मतदान होना है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 2016 का रिजल्ट था उसमें टीएमसी ने 45 में से 32 सीटों पर कब्जा जमाया था और उसके बाद 5 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा था और 5 सीटों पर सीपीआईएम का कब्जा था और बीजेपी कहीं उस वक्त कम से कम आपको यहां तो नजर आ नहीं रही है। लेकिन इस बार बीजेपी बहुत ही कड़ा जो कह सकते हैं प्रतिद्वंदी बन के खड़ी है और ऐसे में कड़ी टक्कर भी देखने को मिल रही है। टीएमसी की बात करें, बीजेपी की बात करें या अन्य पार्टियों की बात करें, खासकर बंगाल के लिहाज से तो ये जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे उसका हम आंकड़ा आपको समझा रहे थे कि किस तरीके से इन सीटों पर मतदान हुआ और किसके खाते में कितनी सीटें आई। आइए अब आपको बताते हैं आज जिन 45 सीटों पर वोटिंग होने वाली है उनमें किन सीटों पर वीवीआईपी कैंडिडेट मैदान में खड़े हैं। सबसे पहले बात कृष्णानगर उत्तर की करते हैं। तो देखिए, कृष्णानगर उत्तर ये सबसे ज्यादा हॉट सीट वीवीआईपी सीट मानी जा रही है इस चरण के चुनाव में। एक तरफ मुकुल रॉय हैं बीजेपी से और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कौशानी मुखर्जी हैं, टीएमसी की प्रत्याशी हैं और ऐसे में इन दोनों के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। ये सबसे वीवीआईपी सीट है जिस पर सबकी नजर टिकने वाली है। इसके बाद अगली वीआईपी सीट की बात करें तो आप देख रहे हैं कमरहाटी सीट, एक तरफ टीएमसी के उम्मीदवार मदन मित्रा मैदान में हैं तो दूसरी तरफ उनके सामने एक मजबूत चुनौती बन के खड़े हैं अनिंदय बैनर्जी, ये बीजेपी के प्रत्याशी हैं और इन दोनों के बीच भी जो टक्कर देखने को मिल रही है वो कांटे की है और जो चुनावी दंगल है वो बहुत दिलचस्प होता जा रहा है। वहीं अब अगली सीट का रुख करते हैं तो वो है दमदम की सीट। दमदम की सीट की बात करें तो टीएमसी की तरफ से आप देख रहे हैं कि ब्रह्मत्रत बसु जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं तो विमल शंकर नंदा बीजेपी की तरफ से उन्हें कांटे की टक्कर दे रहे हैं। एक और सीट जो बहुत महत्वपूर्ण सीट है यानी कि बारासात की सीट, टीएमसी की तरफ से चरणजीत चक्रवर्ती मैदान में है टीएमसी, जैसा कि मैंने जिक्र किया। वहीं बीजेपी की बात करें तो शंकर चैटर्जी का मुकाबला टीएमसी के प्रत्याशी के से होगा। अब वहीं विधाननगर सीट की बात करें तो बीजेपी की तरफ से सब्यसाची दत्ता चुनावी मैदान में है और ये सब्यसाची दत्ता बीजेपी की तरफ से और टीएमसी की तरफ से सुजीत बोस उनको कांटे की टक्कर देते हुए नजर आएंगे। लेकिन कौन जीतेगा ये 2 तारीख को पता चलेगा, लेकिन किस्मत का इन सभी प्रत्याशियों की फैसला आज हो जाएगा क्योंकि जो जनता है वो ईवीएम में इनकी किस्मत के फैसले को कैद कर देगी। अब अगली सीट का रुख करते हैं, राजारहाट गोपालपुर ये सीट है। बीजेपी की बात की जाए तो शामित भट्टाचार्य हैं एक तरफ, वहीं टीएमसी की बात की जाए तो अदिति मुंशी हैं। इन दोनों के बीच भी कांटे की टक्कर है और जैसा कि हमने कहा अब देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा मीनाक्षी कि जनता किसको अपना प्रतिनिधि चुनती है। आज किस्मत कैद हो जाएगी, फैसला 2 तारीख को। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।